तो सर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ऑफ आउट ऑफ द मनी। जी हाँ, आउट ऑफ द मनी इज जबरदस्त मैजिक है अगर आप उसको सही से करें। बहुत बार आपने सुना होगा कि आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेने चाहिए। सही बात है, आप बाय कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा सही बात है कि आपको ज़्यादातर वो होता है कि वो ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर हम उसको शॉर्ट करें तो किस तरीके से हम उसके अंदर पैसा बना सकते हैं? अगर इतना आप करेंगे तो आपको ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। ये सीखने और ये समझने वाली बात है। अगर इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप एक चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट दोस्तों मैंने लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का, राइट। तो हम दोस्तों बात करने वाले हैं 28 सितंबर के चार्ट की। 28 सितंबर को कुछ खास हुआ था वो हम एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स की पावर आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ये है दोस्तों वो दिन, ये देखिए, ये एक लाइन आपको यहाँ दिख रही है, एक लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो चार्ट है, माफ़ी चाहूँगा, 28 सितंबर बैंक निफ्टी का चार्ट 2023 का। अब इस चार्ट में खास बात पता क्या है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, इस लेवल पे मार्केट ओपन हो गया। लेवल क्या था, मैं लेवल यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, अप्रॉक्स 44,700 पे मार्केट ओपन हुआ इस दिन। आप चाहे तो बैक चार्ट में अपना जा करके देख सकते हैं। अब इसके अंदर खास बात क्या है, इस चार्ट में जहाँ से ओपन हुआ थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, 50 पॉइंट्स ऊपर गया, ओनली 50 पॉइंट्स ऊपर गया है, और उस पूरा दिन मार्केट धीरे 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 करके, बीच में तेजी भी आई, फिर धीरे धीरे करके बिल्कुल बॉटम पे जा करके इसने क्या करा, क्लोजिंग दी। बात समझ रहे हैं आप? तो हम बात कर रहे हैं कि जब इतना ज़बरदस्त ये गिरा, आप देखें यहाँ पर 44,700 पे खुलने के बाद ये गिरता 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 लगभग 44,250 के आसपास आ गया, 500-600 पॉइंट गिर गया बैंक निफ्टी अपनी ओपनिंग लेवल से। तो ये 500-600 पॉइंट्स यहाँ पर डाउन हुआ है, 500 पॉइंट्स यहाँ डाउन हुआ है। अगर आप यहाँ पर कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी की, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ज़रा बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, 44,000 वाले पुट की। हम पुट को शॉर्ट कब करते हैं दोस्तों? हम पुट को शॉर्ट तब करते हैं जब हमें लग रहा हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रोसेस थोड़ा उल्टा होता है। तो 44,000 की पुट अगर आपने शॉर्ट करी है तो इसका जो भी प्रीमियम चल रहा होगा, मान लेते हैं 5 रुपये इसका प्रीमियम चल रहा था, 5 रुपीज़, तो ये 5 रुपये कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट 44,000 से ऊपर रहता है तो आपको क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सिर्फ एक्सपायरी डे पर। 28 सितंबर को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस समय जब टाइम डिके हो रहा है, टाइम डिके मतलब आपका जब प्रीमियम डिके होगा, टाइम कम होगा, प्रीमियम डिके होगा, तो जो प्रीमियम डिके का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा बेटर करेगा या स्टॉक जो जिस तरीके से गिरा, क्योंकि जैसे जैसे ये इसके पास आ रहा है ना, वैसे वैसे इसके प्राइस ऊपर बढ़ने चाहिए। अब वो बढ़े नहीं बढ़े उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म पे हम सिंपली क्या करेंगे, सिम्युलेटर पे जाएंगे। सिम्युलेटर पे जाने के बाद हम अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे, 28 सितंबर की जो एक्सपायरी थी उसको हमें सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट करके 28 सितंबर की एक्सपायरियाँ सेलेक्ट करा, और यहाँ पर आप देखिए 9:16 पर, यहाँ टाइमिंग आ रहा है, 9:16 पर हमें चेक कर रहे हैं कि 44,000 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का चल रहा है। तो ये हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, 7.2 रुपीज़ का चल रहा है। ये देखिए 7.2 रुपीज़ 44,000 का कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करोगे 100 रुपये मिलना है, 100-120 रुपये, कोई बात नहीं। 10 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करोगे तो 1200 मिलता है, और अपोजिट साइड का भी करोगे तो हो सकता है कि आपको 10-15 मिल जाए, तो 2-3 हज़ार रुपये कम नहीं होते हैं 10 कॉन्ट्रैक्ट्स इधर और इधर करने के लिए, क्योंकि वो परसेंटेज के हिसाब से 0.33% आ जाता है, जो काफ़ी रेलेवेंट रिटर्न होता है एक दिन में। चलिए हम मान लेते हैं कि हमने 44,000 रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिया। वन सेकेंड, ये देखिए ये मैंने शॉर्ट कर दिया। जैसे मैं शॉर्ट करूँगा इसका पे ऑफ चार्ट आएगा,
मैक्स प्रॉफिट यहाँ दिखा रहा है 107 रुपए आपको मिलेगा, मार्केट ऊपर रहनी चाहिए। देखिए ये ग्राफ दिखा रहा है ना, ये आगे का ग्राफ दिखा रहा है, ऊपर रहनी चाहिए, आगे जानी चाहिए मार्केट। ये 44,000, 44,500, 45,000 ये लेवल्स आपको दिखा रहा है बैंक निफ्टी के। अब एक काम करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करी जब ये मार्केट ऊपर बढ़ी। तो हम 2 घंटे आगे करते हैं मार्केट को, और अभी देखिए जो स्पॉट का प्राइस है वो है 44,681। जैसे जैसे मार्केट पास में आएगी इसका लॉस बढ़ना चाहिए। अब एक काम करते हैं, हम इसको 2 घंटे बढ़ाते हैं, 2 आवर्स हमने इंक्रीज करे। जैसे हमने 2 आवर इंक्रीज करे, मार्केट तो 200 पॉइंट गिर गई भाई, 44,680 से 44,480 आगे 200 पॉइंट्स गिर गई। ये भी आपका लॉस में गया, लेकिन सिर्फ -28 रुपये, 107 रुपये मिलने थे इस कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ -28 रुपये ही डाउन गया है। अब एक काम करते हैं 30 मिनट इसके और बढ़ाते हैं, अभी भी उतना ही है, 24 रुपये है। 15 मिनट और बढ़ाते हैं 21 रुपये, फिर 30 मिनट बढ़ाते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक ये प्रॉफिट में आ गया, मार्केट अभी भी गिर रही है। मार्केट देखिए 44,445 पे मार्केट गिर रही है, इसको लॉस देना चाहिए लेकिन लॉस नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आज के दिन इसको जीरो होना है, और जीरो क्यों होना है? अगर ये 44,000 से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग जाती है तो इसको जीरो होना है। तो जो उसका थीटा जितनी जल्दी डाउन हो रहा है ना, मार्केट गिरने का भी इसको खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक काम करते हैं, फिर इसको 15 मिनट में आगे चलते हैं। अब ये 42 रुपीज़ आपको प्रॉफिट में आ गया, 15 मिनट आगे 44, थोड़ा सा आगे बढ़ाते 30 मिनट 31 रुपये, मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है। अब ये 44,370 पर आ गया, और देखते हैं। अब देखिए ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट आने ही वाला है, ये देखिए 97 पर आ गया, मार्केट अभी भी गिर रहा है। और 5 मिनट बढ़ाते हैं, और 5 मिनट बढ़ाते हैं, मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिरा। अभी 300 के उसने कर दिया, लेकिन अपना इसने ऑलमोस्ट प्रॉफिट दे दिया, 107 रुपये जो था वो 105 रुपये इसने प्रॉफिट दे दिया। ये एक दिन का खेल था, इसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा रुकना था, कुछ भी ऐसा नहीं करना था। तो इस वजह से जो आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप इनको बाय करके चलोगे और आप ये सोचोगे कि भाई चलो 100 रुपये मेरे जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट आया तो कई गुना आएगा, तो वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर मार्केट वोलेटाइल्ड होती है तो ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इस वजह से जो आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके अगेंस्ट जाने के बाद भी मार्केट आपके 500 पॉइंट्स अगेंस्ट चलेगी और कंटिन्यूसली चली गई, तब भी प्रॉफिट में। अगर ये पॉजिटिव चली जाती मार्केट, 100, 150, 200 पॉइंट पॉजिटिव चली जाती, तो इसको तो प्रॉपर प्रॉफिट वैसे भी आ ही जाना था। तो बात समझ रहे, आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें, ये 1 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये भी हो सकती है, 50 रुपये, ये 7 रुपये वाली चीज़ ना 50 रुपये हो सकती थी, 100 रुपये हो सकती थी, 200 भी हो सकती थी। आपका स्टॉप लॉस क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो आपको कहाँ निकलना है ध्यान रखेगा। 7 रुपये की चीज़ अगर कोई बेच रहे हो तो 7 रुपये से ऊपर का ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि 100 रुपये कमाने बैठे 500 रुपये खो के बैठ गए, 100 रुपये कमाने बैठ गए 50 रुपये खोलो, 70 रुपये खोलो, मैक्सिमम 100 रुपये खोलो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स का मैजिक, जो आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करके ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आउट ऑफ द मनी का जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी, एक बार उसको कंसिडर करना कि फार आउट ऑफ द मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट भी जा रही है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ में आएगा कि आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट बाय क्यों नहीं करने चाहिए, और शॉर्ट में क्यों ये पैसा बनाकर दे जाते हैं जो शॉर्ट करते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।